नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के मेरठ से, जहां होटल ओसम में पुलिस की छापेमारी के बाद चौंकाने वाला सच सामने आया है। होटल में ऐसे जोड़े पकड़े गए जिनकी हाल ही में शादी हुई है या फिर शादी होने वाली है, रिंग सेरेमनी हो चुकी है। कोई अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए होटल आया था। तस्वीरों में देखें कैसे पुलिस ने इस बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। दरअसल लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत होटल ओसम में एएचटीयू और लाल कुर्ती पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके पर करीब 2 दर्जन से अधिक युवक युवती को पकड़ा। पुलिस की छापेमार कार्रवाई से होटल में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने भारी संख्या में आपत्तिजनक वस्तुओं को भी बरामद किया। जैसे ही छापा मारा, पुलिस को देखकर होटल के कमरे में मौजूद युवक युवतियां अपने पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे। छापेमारी में जैसे जैसे कमरे खुलते गए, हड़कंप मचता रहा। पुलिस टीम को देख कमरों में मौजूद जोड़े मुंह छिपाने लगे। कुछ लड़कियां तो रोने लगी। इसी दौरान एक युवती ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अंकल गलती हो गई, अब यहां दोबारा नहीं आएंगे। कई युवतियों को महिला पुलिसकर्मियों ने एक होटल के कमरे में एक तरफ बैठा दिया। वहीं आनंद फानंद में सभी युवक युवतियों ने अपने चेहरे ढक लिए। कुछ युवकों ने कपड़ा न होने के कारण हेलमेट से अपना चेहरा ढक लिया। इस दौरान कमरों में ऐसे भी जोड़े मिले जिनकी कुछ समय बाद शादी होनी थी, रिंग सेरेमनी उनकी हो चुकी थी। ऐसे ही एक जोड़े में शामिल युवक ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, मैडम का जन्मदिन था इसलिए वह उन्हें खुद खरीदारी कराने के लिए आया था। होटल में कुछ देर रुकने के बाद वह शॉपिंग करने बाजार चले गए। शॉपिंग करने के बाद वापस होटल आए ही थे कि पुलिस ने छापा मार दिया। बाद में इन लोगों ने अपने परिजनों से बात कराया तो इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। पुलिस के अनुसार होटल ओसम में करीब 32 कमरे बताए गए, इनमें 28 कमरे ऑनलाइन बुक मिले, लेकिन होटल के रजिस्टर की जाँच की गई तो किसी भी की आईडी नहीं मिली। बताया गया कि होटल का एक कमरा 1200 रुपये का था, लेकिन ऑनलाइन 1800 रुपये में बुक होता था। लेकिन यदि कमरों को गलत प्रयोजन के लिए बुक किया गया तो होटल द्वारा प्रेमी युगल से 1000 से 1200 रुपये प्रति घंटा अलग से वसूला जाता था। जिन युवकों के नाम पर कमरे बुक किए जाते थे उनकी आईडी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक है। छापेमारी के दौरान एएसटीयू पुलिस ने रजिस्टर की जांच की तो उसमें काफी लोगों के नाम तो दर्ज मिले, लेकिन इनमें से किसी की भी आईडी नहीं मिली। जबकि होटल में आने जाने वाले हर व्यक्ति का आईडी प्रूफ जमा कराना जरूरी है। ऑनलाइन बुकिंग में भी होटल पहुंचने पर आईडी जमा करानी जाती थी, लेकिन जितने भी लोग पकड़े गए उनमें से 1-2 को छोड़कर किसी की भी आईडी होटल के काउंटर पर मौजूद नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि जितने युगल छापेमारी के दौरान पकड़े गए उनमें से आधे से ज्यादा सहारनपुर और हापुड़ सहित दूसरे जनपदों के थे। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।